चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मिनटों में गाड़ियां चोरी कर फरार हो जाता था। बता दें कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतविंदर और उनकी टीम ने चंडीगढ़ से गाड़ी चोरी करने वाली गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 8 गाड़ियां बरामद भी की गई हैं। आरोपियों की पहचान सोनीपत के रहने वाले अक्षय, जयपाल और राहुल के रूप में हुई है। बताते चलें कि पुलिस ने शनिवार को आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। आरोपी कोडेड चिप का इस्तेमाल कर 3 मिनट में गाड़ी चोरी कर लेते थे। इसके बाद गाड़ियों को 1 से 1.5 लाख रुपए में बिहार में बेच देते थे, जिसके चलते पुलिस ने 7 गाड़ियां बिहार से बरामद की है। पुलिस के अनुसार अक्षय के खिलाफ चोरी के लगभग 32 और जयपाल के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। वहीं पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी सिस्टम से मदद मिली है। पुलिस ने आरोपियों से 5 ब्रेजा, 1 सेलेरियो, रियाज और बोलेनो कार बरामद की है। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपी बोलेनो कार पर फर्जी नंबर लगाकर चोरी करने आते थे। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया है कि तीनों युवक मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं गाड़ियां चोरी कर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, राजस्थान और अन्य कई राज्यों में जाकर 1.5 लाख में बेच देते थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।